हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं कुछ रीलें। यस, दीज आर नॉट रील्स, दीज आर कॉल्ड रीलें। आज हम देख रहे हैं कुछ इंस्टाग्राम रील्स एंड लेट्स सी कि हाउ क्रिंज दे एक्चुअली आर। जितना कि यूट्यूबर्स बाकी यूट्यूबर्स ने कहा है क्या उतना ही क्रिंज है। मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ बट आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ रील्स। आई हैव वॉच्ड सम रील्स बिफोर जो कि फॉरेनर्स की होती है ज़्यादातर, और यार उनकी टिकटॉक्स में ना कुछ मतलब स्पेशल होता है। जैसे कि मैंने देखे थे कुछ स्नैक्स इंसेक्ट्स वगैरह के, सम स्पेशल टूरिस्ट प्लेसेस, दोज आर थिंग्स। बट आज हम देखने वाले कुछ रोमांटिक टिकटॉक्स। अभी मजा आएगा ना गर्लफ्रेंड के होटल पे शेयर करा के किस करने से खांसी ठीक हो जाती है डॉक्टर इमरान। आज भरोसा हो गया मेरे को, इंस्टाग्राम रील्स जितना यूट्यूबर्स ने बताया है ना उससे भी ज़्यादा करें। दीज आर जस्ट सो क्या था ये, कुछ हुआ ही नहीं इसमें तो। एक तरफ टिकटॉक था जिसमें 15 सेकंड में बॉलीवुड की 4 मूवीज की स्टोरी बता दी जाती थी कुछ वियर्ड एक्शंस करके, जिसके पीछे एक बड़ा ही सैड सॉन्ग चल रहा था, और एक तरफ रील्स है जहाँ पे लोग कंघिया कर रहे हैं। अब ये क्या है यार, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या फिर रोमांस रोमांटिक रील्स का मतलब यही होता है बस कुछ भी मत करो, बस साथ में रहो, बस साथ में रह के मतलब कुछ भी करो, चाय पियो, कॉफी पियो, कंघी करो, गले लगाओ। अच्छा ओके, थोड़ा सा रोमांस है बट स्टिल आई डोंट नो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ओके, दिस वन वाज नाइस एक्चुअली, मतलब दिस वाज अ प्रमोशन of her, his girlfriend coming movie I think, और साथ ही साथ काफ़ी romantic भी था, मतलब you are thinking about that girl and वो तुम्हारे सामने आ जाती है। बड़ा हरामी हो बेटा, 150 रुपया देगा। कुछ तो हुआ है इस वीडियो में लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या। मुझे इतना समझ में आया कि पहले आई थिंक लड़का दुखी या नाराज था, फिर लड़की ने आके उसे मनाने की या समझाने की कोशिश की, एंड देन लड़की भी परेशान हो गई कि क्या कैसा बंदा ये, छोड़ो इसको, एंड वो जाने लग गई। तो फिर लड़के को लगा कि अरे नहीं, भाव खाने के चक्कर में कहीं छोड़ के ना चले जाए, ये ग्रैब से लगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। टेल मी इन द कमेंट्स क्या मुझे सही समझ में आया, बस मुझे इतना ही समझ में आया। क्या फायदा तुम्हारा 6 फीट होने का, या दिस इज क्रिंज आई नो। चलना तो आप उसी के इशारे पे है जो ढंग से 5 फुट के भी नहीं होती। बात कर मेरे को जानता नहीं है ये। आई न्यू 5 minutes later. उसने भी तो मारा है ना भाई, अल्टीमेटली तूने भी किसी ना किसी
तरीके से मारा ही ना उसको, मतलब ऐसे उसने थोड़ा गुस्से में मारा, तूने प्यार से मारा, मारा ही ना तूने भैया, कौन सा प्यार होता है ये? गर्लफ्रेंड के आते ही तमाचा कौन मारता है? कुछ भी मतलब वो आई और इसने एक तमाचा मार दिया, क्यों? क्या ये बस आई और बस इसने तमाचा मार, क्यों? अबे सही में मेरा दिमाग खराब है, ये ऐसा भी होता है? मतलब गर्लफ्रेंड आई तो बस चमाट। I don't know. माँ कसम, माँ कसम, ये जब वीडियो स्टार्ट हुई थी ना मेरे को इतना गलत लगा था, नहीं इतना गलत लगा था, तुम देखना जरा वीडियो जहाँ से स्टार्ट होती है, देखना देख। बड़ा हरामी हो बेटा। इतना गलत लगा था ना मेरे को सच में, पहली बार वीडियो देखे हो, माय गॉड। ये बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे कौन करता है यार, क्या कंट्रोल कंट्रोल उदय मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया, इसीलिए बेबी बाबू कहते हैं अपने गर्लफ्रेंड को। आई लव यू। पहले बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बेस्ट इसका हस्बैंड होगा अपना? कोई एक्स? आई नो नो। नहीं। आई लव यू टू। भाई बहुत सही बंदी है यार वो, ना बस मेरा एक पति है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ रील्स के ऊपर, मतलब आज के मतलब है कि ये वीडियो में बस लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।